के अभिभाषण के साथ ही शुरू हुए बजट सत्र में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सर्वे में अनुमान जारी किया उन्होंने, और आने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। वे चालू वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 5% रहने का ही अनुमान है। हालांकि पिछले दिनों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भी 5% का ही अनुमान जारी किया था। वहीं 1 फरवरी यानी कल आम बजट पेश किया जाने वाला है और बजट से देश के सभी वर्गों को उम्मीदें होती हैं। इस बजट पर भोपाल के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने बातचीत की। बजट को लेकर व्यापार जगत की भी कई आकांक्षाएं हैं, साथ ही वित्त और टैक्स मामलों के जानकारों ने भी कई नए प्रावधानों की उम्मीद जताई है। जानते हैं शहर के लोगों की प्रतिक्रिया। कुछ रियायतें मिले, उसको कुछ और सुविधाएं मिले, जिससे कि उस जो अपना जो बजट का जो कर बोझ है वो कम हो उसके द्वारा। अब हम करते हैं बात बाजार की, क्योंकि सुस्ती के दौर में बाजार सबसे ठंडा चल रहा है। बाजार को ये उम्मीद है कि लोगों की खरीदारी बढ़े, लोग खरीदारी की मांग बढ़े। इसके लिए सरकार को सबसे पहले ये करना होगा कि उसे जनता की मांग को बढ़ाना होगा, बढ़ाने के लिए जनता को रियायतें दे। क्योंकि पिछली बार उन्होंने बाज़ार को अच्छी खासी रियायतें दी थी, पर उससे उतना बूम नज़र नहीं आया। सरकार भी ये बात समझती है अच्छी तरीके से, इसलिए अब उसे इस बार जनता को इस तरह की रियायतें देनी होगी जिससे उसकी मांग बढ़े और वो बाज़ार में खर्च करे। मैं इस बजट से ये उम्मीद रखता हूँ कि आम जनता पे कराधान का भार न पड़े और इनकम टैक्स वगैरह के अंदर भी जितनी कोशिश हो कि कम से कम मतलब के टैक्सेस लगे। तो इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आयकर में एक अच्छी खासी छूट मिले और शायद सरकार की आमदनी अब काफ़ी बढ़ चुकी है। मंदी तो देखा जाए तो ये एक थोड़े दौर के लिए है, मंदी के बाद शायद भारत विश्व में बहुत अच्छी वो करेगा। और जीएसटी को प्रॉपर अभी चालू तो हो गया है, लेकिन इस पर थोड़ा और काम होना बाकी है, लोगों को उनकी भ्रांतियां दूर करी जाएं और कलेक्शन प्रॉपर हो तो सरकार की आय बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि हमारी सारी जो मूलभूत सुविधाएं जो सरकार हमको देती है उसका सोर्स तो टैक्स ही है। ये कि ये साल ये जो बजट है सरकार बहुत अच्छा या लोक लुभावन बजट हो सकता है, इसमें बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के। ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सरकार का एक सपना है, उसका एक और रिफॉर्म्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे। आज के दौर में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मेक और ब्रेक बजट रहेगा और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आपको काफ़ी रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। लेबर रिफॉर्म्स के लिए भी बात होगी, रेलवे के रिफॉर्म्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात होगी और बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें देश को हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया में शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है वो नरेंद्र मोदी सरकार कल बताएगी और आने वाले 4 सालों में इसका असर देश को देखने को मिलेगा। सभी की ये उम्मीद है कि बजट में टैक्स में भी राहत मिलेगी, जो कृषि क्षेत्र में भी राहत मिलेगी और जो इंडस्ट्रीज डाउन जा रही हैं उनको सबको सब्सिडी मिलना चाहिए। इसके अलावा कृषि जो किसान भी वो बजट की ओर ही मुंह देख रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं उसका फायदा मिले। वहीं किसानों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, हमारे संवाददाता ने खंडवा में बात की। किसानों के बारे में पहला तो मुद्दा है कि किसानों के जो भी समर्थन मूल्य हैं फिक्स हो, सभी चीज़ें मंडियों में कम नहीं बिके, उस समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिके। बाकी जो चीज़ों पे खाद्य उत्पादों पे सब पे जो जीएसटी लग रहा है, आज 18% है, सब पे फिक्स कर दिया है, जबकि कुछ चीज़ों पे कम भी होना चाहिए, ज़्यादा हो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है रोज़मर्रा की जिन पे जीएसटी कम लगना चाहिए। किसानों के हित में होना चाहिए, यूरिया डीपी सही टाइम पर मिलना चाहिए, ये जीएसटी कम होना चाहिए, रेट फिक्स होना चाहिए सभी चीज़ों के, समर्थन मूल्य सही तरीके से हो जाए,
समय पे बिकना चाहिए, समय पे हमारा माल तुलना चाहिए, पेमेंट जो है वो तरीके से मिलना चाहिए भाई। तुअर कपास जैसे भी जो भी चीज़ें, इनका समर्थन मूल्य फिक्स हो जाता हमको भी दिक्कत नहीं हो। को कहा था कि पूरे देश भर की नदियों को जोड़ा जाए, तो नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से पूरे देश भर में सिंचाई परियोजनाओं का व्यापक विस्तार हो, एक। दूसरा विषय है जो कृषक है वो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ी आमदनी ब्याज चुकाने में चले जाती है, इसलिए कृषक को जो कृषि कार्यों के लिए ऋण दिया जाए वो 0% ब्याज दर पर होना चाहिए। आज किसान की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है और सबसे ज़्यादा GST की मार भी किसान को पड़ रही है। आज ट्रैक्टर लेने जाओ या कोई भी इक्विपमेंट लेने जाओ आप एग्रीकल्चर रिलेटेड, उनमें 18% GST है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बजट आ रहा है उसमें किसानों के लिए रियायत दी जाए, कम से कम 5% GST लगना चाहिए